दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकेंड में कई बार स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं। बेसिकली तीन स्टॉक्स मैं वीकेंड पे बताता हूं, जो कि आने वाले सप्ताह में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं या आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको वैसे ही तीन स्टॉक के बारे में बताऊँगा, और साथ ही साथ मैंने जो पिछले कुछ सप्ताह में स्टॉक्स बताए हैं वीडियो के जरिए, उसका परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मेरा एक क्यूरियस वेल्थ नाम से एक और चैनल मैंने शुरू किया है, जहां पे मैं हर सप्ताह आपसे तीन स्टॉक बताने वाला हूं। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके वीडियो में यहाँ पे जो आई का सिंबल दिखाई दे रहा है, उस आई के सिंबल में आप उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने BEL के बारे में डिटेल में बताया है कि इस स्टॉक को आपको क्यों नजर में रखना चाहिए। इसका एंट्री लेवल भी मैंने वहां पे बताया, साथ ही साथ स्टॉप लॉस बताया 77 रुपीज का। आने वाले दिनों में 89 से लेके 103 रुपीज तक के लेवल्स हमको इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगला जो स्टॉक मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है वो है काइटेक्स का स्टॉक। इस स्टॉक में फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो वो चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी। मेरा एक प्राइम चैनल भी है, जहां मैं डेली एक से दो इंट्राडे सजेशन शेयर करता हूं। मेरे प्राइम चैनल का परफॉर्मेंस आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस महीने में मैंने अपने जो सजेशन दिए थे और उनका परफॉर्मेंस कैसा था। अगर आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है तो मेरे द्वारा एक डीमैट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे एक तरीके से फ्लैग का पैटर्न बना है, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें वापस से गिरावट थोड़ी दिख सकती है। तो आप 158-160 रुपीस के आसपास इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 150 के आसपास रहेगा। टारगेट में इसमें 170 से 250 रुपये तक के टारगेट हमको आने वाले ही कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मैं परफॉर्मेंस की पिछले कुछ सप्ताह में जिन स्टॉक के बारे में मैंने बात की थी, उनकी लिस्ट यहां पे आप देख सकते हैं। 16 फेब और 9 फेब को मैंने स्टॉक्स के बारे में बताया था, उनका करंट स्टॉक प्राइस कितना है, रिकमेंडेशन प्राइस क्या है, और इन स्टॉक्स ने अपना हाई क्या बनाया था, साथ ही साथ टारगेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक स्टॉक में टारगेट 1 ऑलरेडी हिट हो चुका है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो एक्टिव हो चुके हैं, कुछ स्टॉक हैं जो पार्शियल एक्टिव इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन स्टॉक में मैंने करंट लेवल पे बाई के लिए बोला था और साथ ही साथ नीचे एक लेवल बताया था जहां पे आकर के आप एड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, जहां मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली सजेशन देता रहता हूं। अगर आपको मेरा वो चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके मेरा वो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा स्टॉक जो मैंने बताया है इस वीडियो में वो है ONGC का। इसमें बॉटम लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे आकर के एक हैमर का पैटर्न बना है। यहाँ पे हम करंट लेवल पे थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं और 95 के आसपास जाकर के थोड़ा और एडिशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 92 के नीचे रखना है। टारगेट में हमको इनिशियली 109 का टारगेट है और 130 का लेवल इसका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वो अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो हमको 150 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया, मैं किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार आप अपनी तरफ से स्टडी करें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना पैसा निवेश करें।